हेलो, दिस इज योर इनसाइट कोच पूनम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज ऑन ग्राफोलॉजी। अगर हम ग्राफोलॉजी की बात करें तो हमने बहुत सारे वीडियोस में बात की है कि ग्राफ एंड लॉजी यानी कोई भी ग्राफ जो है उसकी जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं ग्राफोलॉजी। तो अब इसमें हम अगर हैंडराइटिंग एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हैंडराइटिंग भी एक तरह का ग्राफ है, एक तरह का पैटर्न है जो हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट किया गया है। एंड लॉजी मीन्स द स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग इज कॉल्ड एज हैंडराइटिंग एनालिसिस या फिर ग्राफोलॉजी। तो अगर हम ग्राफोलॉजी की बात करें तो आप कैसे ग्राफोलॉजी के माध्यम से किसी पर्सन की माइंडसेट और उनका बिहेवियर आप जानकारी ले सकते हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इस हैंडराइटिंग को देखिए, आप इस हैंडराइटिंग को अगर आप एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मार्जिन की। इफ यू लुक एट द लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन बहुत ही नैरो है। अब इसका मतलब क्या है ना, दो चीजें बता सकती हूँ मैं इस वीडियो में, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं दो चीजें बताऊं तो दिस इज अ पर्सन हु इज वेरी पास्ट ओरिएंटेड, यानी ऐसा व्यक्ति अपने पास्ट मेमोरीज को लेके बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। सो ही इज ऑल्सो अटैच्ड टू पास्ट रूट्स। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई वेकेशन लेके आएगा तो इसे लंबे समय तक उन पिक्चर्स को देखता रहेगा, लंबे समय तक उनके बारे में बातें करेगा। एंड सो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, ये दोनों चीजों को लेके बहुत ही अटैच्ड रहेगा। सेकेंड थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सन मार्जिन इज दैट ऐसा व्यक्ति फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जब भी करेगा तो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेगा जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है। सो ही विल स्टिक टू ट्रेडिशनल थिंग्स और ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये उनके मार्जिन को देखकर पता चलता है। सेकेंड बात करते हैं, अगर आप इस हैंडराइटिंग को ऑब्जर्व करोगे तो इट इज अ स्मॉल हैंडराइटिंग। सो व्हेन यू सी अ स्मॉल हैंडराइटिंग द कॉन्फिडेंस पार्ट इज मिसिंग हियर। दे मे लैक कॉन्फिडेंस, दे आर एन इंट्रोवर्ट पीपल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज अ नेगेटिव पर्सनैलिटी। इसके बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस भी है। यू विल सी दैट सच पीपल हैव एन आई फॉर डिटेल, दैट मीन्स These people are very good at research oriented fields. तो इसीलिए research oriented fields जो है वो उनके लिए बेहतर होता है। So they like to study articles, they like to get into the details. तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका जो concentration है वो बहुत अच्छा होता है। Look at the way when you want to write something, squeeze your eye and try to write in. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो focus है वो और अच्छा करने के लिए इसको और छोटा कर दो handwriting। अगर आप बहुत ज़्यादा handwriting को small कर देते हो, बहुत ही ज़्यादा small, इतना कि किसी को squeeze करना पड़े अपनी आँखों को आपकी reading को पढ़ने के लिए, handwriting को पढ़ने के लिए, तो ये एक negative part होता है। इससे इनफैक्ट आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं हमारे थर्ड फैक्टर की। व्हाट इज द थर्ड फैक्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस का सैंपल। अगर आप देखोगे इसके लेटर आई जो है, लेटर्स जो है वो स्पेसिफिक ट्रेट्स देते हैं आपके बारे में। सो इट कैन गिव आउट मोर देन 700 ट्रेट्स अबाउट अ पर्सन। तो अगर आप लेटर्स देखोगे, लेटर आई जो है हर जगह पे लेटर आई जो उसी तरह से लिखा हुआ है। नाउ दिस आई इज कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट आई। सच अ पर्सन इज सेल्फ मेड, ये बहुत सारी चीजें इंडिपेंडेंटली करता है। मगर इसके साथ साथ एक और यू नो वीकनेस भी इस फैक्टर में है, इस पर्सनैलिटी में है, दैट ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फिश भी होता है। नाउ लुक एट द लेटर ए रिटन हियर। अगर आप लेटर ए को देखोगे, हमारे बहुत सारे वीडियोज में हमने बात किया है फेलन्स क्लॉ के बारे में। तो अगर आप लेटर ए को देखोगे, देर इज अ बैकवर्ड स्ट्रोक हियर विच लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड यू नो कप। तो ये फॉर्मेशन जब मिडिल जोन में आता है एंड स्पेसिफिकली जब लेटर ए में आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, ही इज अ स्वीट टॉकिंग इंडिविजुअल, बट दे विल ऑल्सो एंगेज इन टू लॉट ऑफ यूजलेस टॉक्स, यानी बेतुकी बातें जो है उसमें बहुत ज्यादा वो करेंगे, एंगेज करेंगे खुद को। एंड दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव फैक्टर ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज दे टेंड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये चीजें आप पता कर सकते हो किसी भी हैंडराइटिंग सैंपल को देखकर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन अंडरस्टैंड मोर देन 3000 थिंग्स अबाउट अ पर्सन। सो इट इज द बेस्ट टूल इफ यू आर एन एचआर, इफ यू आर अ काउंसलर, यू कैन डू अ गुड स्वॉट एनालिसिस। यानी आप उनके स्ट्रेंथ्स, आप उनके वीकनेस समझ सकते हो, उसके बेसिस पे उनके क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं एंड क्या थ्रेट्स हो सकते हैं ये आप समझ सकते हो। एंड यू कैन गाइड पीपल अकॉर्डिंगली एंड इट इज अ ग्रेट सपोर्टिंग टूल फॉर लॉट ऑफ फील्ड्स। So I hope you enjoyed this handwriting and analysis and ऐसे ही videos को देखते रहने के लिए हमारे channel को subscribe करें। Do follow us on all social media platforms and do like, comment and share something, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप comment करें। अगर आप चाहते हो कि आपके handwriting sample को भी हम analyze करें
तो हमारे जो नंबर है उस पर आप अपना हैंडराइटिंग सैंपल भेज सकते हो। मैं स्टार्ट के जितने इनिशियल 20 लोगों का जो सैंपल है उसको एनालाइज करूंगी। आई विल टेल यू 5 थिंग्स अबाउट योर पर्सनैलिटी दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर पर्सनल डेवलपमेंट। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।